ओके हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। पेस्ट से रिलेटेड, कीड़े मकोड़ों से रिलेटेड, तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि अगर कुछ पॉइंट मिस हो गए तो आपको हो सकता है भारी नुकसान हो जाए आपकी गार्डनिंग में। आपका प्लांट आप खो सकते हैं या फिर सारे कीड़े मकोड़े मिलकर उनको खा सकते हैं, इसलिए एंड तक ज़रूर देखना। और इस वीडियो में दोस्तों हम एक पॉइंट एक्स्ट्रा कवर करने वाले हैं, वो है लीफ कर्ल या फिर लीफ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो जाती है प्लांट के अंदर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो डिटेल में आप ज़रूर देखना और आपके क्या रिव्यूज़ रहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट में ज़रूर बताना। क्या हुआ, वीडियो स्टार्ट नहीं हुई क्या? कैसे होगी, हमारी परंपरा है सवाल पूछना और आपकी परंपरा है उसका जवाब देना, ठीक है। तो मेरा सवाल, आपको 3 ऐसे प्लांट बताने हैं जो कि आपके फेवरेट है। सबसे पहले मैं मेरा बताता हूँ। सबसे पहला है दोस्तों स्नेक प्लांट, देख रहे हो पीछे कितने सारे हैं। दूसरा है दोस्तों जेड प्लांट, हमारे बहुत सारी बॉन्साई बनाई जा सकती है बहुत आसान तरीके से। और तीसरा है दोस्तों वेरीगेटेड हिबिस्कस, वाइट कलर की लीफ होती है और रेड कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत खूबसूरत सा प्लांट होता है दोस्तों। अगर फ्लावर नहीं भी आ रहे हैं तो भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। चलिए अब फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन बट मोस्ट डेंजरस मेलीबग अटैक, वो भी हिबिस्कस प्लांट के ऊपर। अगर दोस्तों आपके गार्डन एरिया में हिबिस्कस है तो वहाँ पर मेलीबग डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पर मैं आपको 2 सॉल्यूशन बताऊँगा, एक होगा ऑर्गेनिक और एक होगा केमिकल। केमिकल वाला 100% रियल और सक्सेसफुल रहता है। ये प्रॉब्लम आपने अक्सर आपके फाइकस प्लांट के ऊपर देखी होगी, आपकी लीफ ब्राउन हो जाती है बट वो आपस में चिपकी हुई रहती है। ये क्यों रहती है वीडियो में आप आगे देखेंगे। अक्सर आपने ये नोटिस करा होगा आपके प्लांट की लीफ आधी खाई हुई होती है या फिर पूरी खाई हुई होती है, वो क्यों होता है वो भी आप वीडियो में आगे देखेंगे। हम कभी कभी गलत सोच लेते हैं पानी की कमी के कारण लीफ नहीं मुड़ी होती है, ये होता है पेस्ट अटैक। अगर आपको काले काले छोटे छोटे कीड़े नज़र आ रहे हैं और उनके ऊपर बहुत सारी चींटियाँ हैं तो एफिड्स है, और ये दोस्तों बारिश के जस्ट बाद आपके सारे प्लांट के ऊपर आने लग जाते हैं। आपके गार्डन हो या टेरेस गार्डन, दोनों में ये हमेशा पाए जाते हैं। ये है ग्रास ऑफर, और दोस्तों इनको भी हम दूर रख सकते हैं, बस सिंपल से सॉल्यूशंस हैं उनको आजमा कर। हर इंसेक्ट का एक अलग सॉल्यूशन है दोस्तों, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उसका एक ही एंड रिजल्ट होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, ताकि आप वीडियो पूरा देख सकें, बाकी आप बीच में ही गायब हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मेलीबग के 2 मेथड हम देख लेते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, और ये एक अलग तरीके का कीड़ा है। मेलीबग ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर हम लिक्विड सोप यूज़ कर रहे हैं, और हमारा ये पूरा ऑर्गेनिक मेथड होगा फर्स्ट वाला, इसलिए हम यहाँ पर नीम ऑयल का यूज़ करेंगे और उसके साथ हमें एक टूथब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। आप आगे देखते रहिए हम कैसे इसे यूज़ करते हैं। आपको 1 लीटर वाटर लेना है और उसमें आपको 10 से 12 बूंदें नीम ऑयल की डालनी है और नियरली 2 से 3 बूंदें आपको लिक्विड सोप की डालनी है। एंड हमारा सॉल्यूशन रेडी है दोस्तों, अब अच्छे से शेक करिए और बस इसको अलग मेथड से यूज़ करना है। सबसे पहले आप देखेंगे अपने प्लांट के ऊपर जहाँ जहाँ पर मेलीबग हो रहे हैं उस हिस्से को एक बकेट या फिर टब के जस्ट ऊपर रखना है, और आपको आपका ब्रश यूज़ करना है और सारे मेलीबग वहाँ से मैन्युअली रिमूव करने हैं। और दोस्तों ये एक स्टार्टिंग स्टेज के लिए बहुत अच्छा मेथड है, इससे मेलीबग इमीडिएटली रिमूव हो जाते हैं, और उसके बाद हम जब लिक्विड सोप स्प्रे करेंगे तो उनकी वैक्स की कोटिंग रिमूव हो जाएगी और वो इमीडिएटली मर जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके जो मेलीबग है वो इधर उधर नहीं गिरने चाहिए, उस बकेट के अंदर ही गिरने चाहिए, और उस बकेट को आप अच्छे तरीके से डिस्पोज करेंगे। एंड सेम आपको अपने ब्रशों को भी साफ करना है और अपने प्लांट के ऊपर भी ओवरऑल स्प्रे जरूर करना है। मेलीबग ट्रीटमेंट के लिए ये सेकंड मेथड है, और दोस्तों ये केमिकल मेथड है और थोड़ा सा डेंजरस है बच्चों के लिए, पेट्स के लिए। तो जब भी आप ये काम करें अपने पेट्स और बच्चों को दूर रखना। हमारा प्रोफेस सुपर दोस्तों बहुत ही अच्छा केमिकल कंपोजिशन है जिसमें मेलीबग को किल करने की काफ़ी अच्छी ताकत है। इसमें 2 केमिकल कंपोजिशन होते हैं, प्रोफेनोफोस 40% एंड साइपरमाइथ्रिन 4%। ये अदर पेस्टिसाइड के जैसे भी यूज़ किया जा सकता है बट ये मेलीबग के लिए भी काफ़ी अच्छा कारगर है। चलिए यूज़ करके देख लेते हैं इसको कैसे करना है यूज़। 1 लीटर वाटर के अंदर 5 से 10 ml के आसपास हम यूज़ कर सकते हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ये चेहरे या हाथों पे या फिर शरीर के अंदर ना जाए। इसकी 10 से 12 बूंदें डालते ही दोस्तों वाटर का कलर एकदम वाइट कलर का हो जाता है, और ये मेलीबग या फिर किसी भी इंसेक्टिसाइड के ऊपर इजीली यूज़ किया जा सकता है। इस स्प्रे को आपको डायरेक्टली मेलीबग के ऊपर ही स्प्रे करना है, इससे उनके ऊपर की वैक्स की कोटिंग हट जाएगी और दोस्तों उनको एक अच्छा खासा डैमेज होगा, और जिससे वो इमीडिएट मर जाएंगे।
आप पूरे प्लांट के ऊपर भी अच्छे से स्प्रे करना, और जहाँ पर सॉइल रहती है वहाँ पर भी आपको स्पेशली स्प्रे करना है, जिससे चींटियाँ फिर से प्लांट के ऊपर ना चढ़ सके। क्यों दोस्तों, हो गया ना हमारा प्लांट एकदम नीट एंड क्लीन। ये प्रोडक्ट अगर मुझे अमेज़न पे मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका परचेस लिंक डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर एक बार चेक कर लेना। दोस्तों, हम अक्सर वेजिटेबल्स उगाते हैं और उनके ऊपर काफ़ी सारे एफिड्स, स्पाइडर माइट्स, वाइट फ्लाइज, फ्रूट फ्लाइज या फिर टाइप्स के अटैक होने लग जाते हैं, और उसका सिंगल सॉल्यूशन ये वाला पॉइंट है। यहाँ पर आप हमारे मिर्ची के पौधे के ऊपर नज़र डालिए, ऊपर से तो काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है, बट नीचे की तरफ कितने ज़्यादा इसके ऊपर एफिड्स अटैक हो चुके हैं, और जहाँ पर भी फ्लावर आ रहे हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अटैक हो चुका है। अगर सही समय पर इसका सॉल्यूशन नहीं करा तो हमारा प्लांट मर जाएगा, क्योंकि सारी एनर्जी ये वाले छोटे छोटे इंसेक्ट खींच लेते हैं पूरे प्लांट की। यहाँ पर भी हम दोस्तों एक केमिकल का यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ पर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है डेंजरस फॉर ह्यूमन, बट ये एज ए पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है वेजिटेबल्स के ऊपर। इसका नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमला 550 है, और इसका केमिकल कंपोजिशन थोड़ा सा अलग होता है, क्लोफेरीफोस 50% एंड साइपरमाइथिन 5%। इस केमिकल कंपोजिशन से कोई अलग पेस्टिसाइड की डब्बी मिलती है तो वो भी चलेगी, क्योंकि काम सारे केमिकल एक जैसा ही करते हैं। चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं कैसे करना है। आपको 1 लीटर वाटर के अंदर 5 से 10 ml ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर सेफ्टी का आपको पूरा ध्यान रखना है, और आप बस वाटर में डाल के आप अच्छे से शेक करिए और अपने पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। इससे सारे पेस्ट अटैक जो भी होंगे वो हट जाएंगे और इमीडिएट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको एक बार स्प्रे करने के बाद कुछ दिन का वेट करना है, और उसके बाद ही आपके फल या सब्जियों को हार्वेस्ट करना। इमीडिएट हार्वेस्टिंग रिकमेंडेड नहीं होती है, हार्वेस्टिंग का समय आप 8 से 10 दिन ईजिली रख सकते हैं। पूरे प्लांट पर अच्छे से स्प्रे करिए, और नीचे जो सॉइल है आपका गार्डन है वहाँ पर भी आपको इसका स्प्रे करना है, जिससे चींटियाँ नहीं आएगी और प्लांट आपका हेल्दी रहेगा। एंड फाइनली आपका प्लांट ओके हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर सारे के सारे आपके जितने भी एफिड्स हैं सब मर चुके हैं, अब फर्दर अटैक नहीं होगा, और जो बचे हुए हैं ये धीरे धीरे नीचे गिर जाएंगे क्योंकि ये मर चुके हैं। नंबर 3 है दोस्तों, लीफ कर्ल प्रॉब्लम या फिर लीफ का चिपक जाना। बहुत सारी लीफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हम यहाँ पर 2 मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप फाइकस प्लांट के ऊपर नोटिस करते हैं तो उसकी लीफ आपस में चिपक जाती है, ऐसा क्यों होता है? चलिए इन लीफ को खोल के देखते हैं अंदर क्या है। हमारे फाइकस प्लांट की लीफ के ऊपर इंसेक्ट अटैक हुआ है, और ये दोस्तों हमारे नोटिस में आने से पहले ही मैच्योर होके ये इंसेक्ट उड़ जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं, आई डोंट नो। अभी तक इंसेक्ट का मुझे पता नहीं चला है, बट जहाँ तक पता चला है कि वो इन लीफ का रस चूस लेते हैं, और अगर आपने सही टाइम पे इन लीफ को रिमूव नहीं करा या फिर प्लांट की प्रूनिंग नहीं करी तो आप अपने प्लांट को खो सकते हैं। बहुत छोटी छोटी सी लटे होती है दोस्तों, और यहाँ पर उसका आप घर देख सकते हैं, उसने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप करा, और यहाँ उसका लेफ्ट आउट बॉडी पार्ट भी है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपने नोटिस करा हो आपके लेमन प्लांट की आधी खाई हुई लीफ आपको मिल जाएगी, और बहुत सारी जगह ये मुड़ी हुई भी मिल जाएगी। ये क्यों होता है? इसका मेन रीज़न ये जनाब है दोस्तों, ये बटरफ्लाई के लार्वा हैं जो आपके लेमन प्लांट की लीफ को ईजिली खा जाते हैं, और लेमन प्लांट ही नहीं अदर प्लांट में भी ये अटैक होता है, बट हमने इस बार अच्छे तरीके से नोटिस करा, और ये जो ब्रांच है ये भी लेमन की ही ब्रांच है जिस पर ये कीड़ा लगा हुआ है। वैसे ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, चलिए एक क्लोजअप लुक देखते हैं। और इन बटरफ्लाई लार्वा की साइज़ फिक्स नहीं होती है दोस्तों, इसलिए ये छोटे भी हो सकते हैं, और लास्ट में जब मैच्योर होने का टाइम आता है तब ये लीफ को अंदर से मोड़ देते हैं अपने जाले के द्वारा, और लीफ को ख़राब कर देते हैं, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका प्लांट भी ख़राब हो सकता है। इसका क्या सॉल्यूशन है दोस्तों? इसका सॉल्यूशन मैं एक और इंसेक्ट बता देता हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ क्या हम बेसिक सॉल्यूशन रख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रास ओवर, और दोस्तों ये बहुत ही डेंजरस है। अगर बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में ये आपके गार्डन के ऊपर अटैक करता है तो आपके गार्डन को 1 घंटे में ये साफ कर सकता है। अगर 1-2 है तो कोई चिंता की बात नहीं है, बट 1-2 भी ये धीरे धीरे करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते रहते हैं, इसलिए इनको किल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किल या फिर इनको यहाँ से भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इस स्प्रे को कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। जब तक हैवी अटैक नहीं होता है आपके गार्डन या फिर टेरेस गार्डन में, आपको एकदम ऑर्गेनिक तरीका ही सेलेक्ट करना है। उसके लिए दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं नीम ऑयल।
आपको एक लीटर वाटर के अंदर कम से कम 10 से 12 बूंदें डालनी है नीम ऑयल की। ये परफेक्ट मिक्सचर रहता है और काफ़ी सारे पेस्ट इससे भग जाते हैं। अगर आपको लग रहा है आपके गार्डन में पेस्ट अटैक होने वाला है या हो सकता है, तो आपको एवरी 10 से 15 डेज के इंटरवल में आपको ये स्प्रे करना है। नीम ऑयल का स्प्रे दोस्तों आपको हमेशा स्प्रे से ही करना है, इससे प्लांट को ओवरऑल प्रोटेक्शन मिलती है और काफ़ी हद तक आपका प्लांट प्रोटेक्ट हो जाता है। सो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।